नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एके ऑनलाइन पॉइंट में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में कारपालक शाही से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट नोटिस निकाली गई है और उस इंपॉर्टेंट नोटिस में क्या बताया गया है, सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, 15/11/2018 को आपके किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में उपाधिकारी की यहाँ पर क्या है कि बैठक हुई। उसके बाद हम आपको बता दें, यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो कि आपके किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे 15,188, यहाँ पर देख पा रहे हैं टोटल फॉर्म आपके किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में कार्यपालक सहायक जॉब के लिए अप्लाई हुए थे। उनमें से आपको हम बता दें कि आपका सबसे पहले हिंदी टाइपिंग टेस्ट का एग्जाम हुआ और वहाँ पर 12/10/2018, 16/10/2018, 20/10/2018, 30/10/2018 को आपका एग्जाम चला हिंदी टाइपिंग टेस्ट का। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं किस कैटेगरी के कितने स्टूडेंट शामिल किए गए थे, यहाँ पर कैटेगरी वाइज दे दिया गया है, जनरल, वो EBC, BC, SC, ST, और यहाँ पर यह भी बता दिया गया है कि टोटल कितने स्टूडेंट थे। तो 3,005 टोटल स्टूडेंट शामिल हुए आपके हिंदी टाइपिंग टेस्ट में। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर इन्होंने ये भी बता दिया गया है कि मेल के कैंडिडेट कितने थे और फीमेल के कैंडिडेट कितने थे। तो मेल के कैंडिडेट यहाँ पर 2,607 थे, उसके बाद फीमेल के 398 कैंडिडेट थे। अब हम आपको बता दें, यहाँ पर जो ये वाला कॉलम दिया गया है, इसमें ये बताया गया है दोस्तों कि हिंदी टाइपिंग टेस्ट का जो रिजल्ट था आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया गया था, जैसे कि हमने आपको वीडियो बनाया था, आपने पिछला वीडियो देखा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर फिर से आपके क्या है कि पदाधिकारी की बैठक हुई आपके डिस्ट्रिक्ट में और निर्णय लिया गया कि आपके रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा। और रिटर्न एग्जाम में देख पा रहे हैं दोस्तों, दिया गया है शैक्षणिक योग्यता के रूप में कंप्यूटर संबंधित बेसिक जानकारी। तो दोस्तों इस बात को आप नोट कीजिएगा, कंप्यूटर संबंधित बेसिक जानकारी, यानी जो कि आपके रिटर्न एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कंप्यूटर से रिलेटिव हो गए। आप इस बात को नोट कीजिएगा दोस्तों, इस PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, या ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आप इस बात को जरूर नोटिस कीजिएगा कि आपके रिटर्न एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कंप्यूटर संबंधित होंगे। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि रिटर्न एग्जाम की जो आपके रिटर्न एग्जाम में कितने कैंडिडेट शामिल होंगे, उनके लिस्ट भी निकाल दी गई है कैटेगरी वाइज। अब चलिए देखते हैं, और यहाँ पर देख पा रहे हैं दिया गया है जो यहाँ पर अनारक्षित पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, सभी कोटि की महिला, यानी कि आरक्षण के कोटि के अनुसार यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपकी कैटेगरी जो है ये लिस्ट निकाली गई है। और महिला में जो है कि सभी कैटेगरी के लिस्ट एक ही महिला में सॉरी एक ही कॉलम में, महिला के कॉलम में दे दिया गया है। यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि इस कैटेगरी की महिला की क्या लिस्ट है। तो टोटल यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका जो एग्जाम होने वाला है, रिटर्न एग्जाम 50 अंकों का होगा। हाँ दोस्तों, आपका जो रिटर्न एग्जाम चलने वाला है वो 50 अंकों का होगा किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में। अब बात करते हैं लिखित परीक्षा के न्यूनतम प्राप्तांक, तो किस कैटेगरी के कैंडिडेट को कितने मार्क्स न्यूनतम से न्यूनतम लाना है दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आरक्षित के लिए यहाँ 30 मार्क्स दिए गए हैं, 50 में से आपको 30 मार्क जरूर से जरूर लाना है, बाकी आप मैक्सिमम कितना ला पाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। जितना अच्छा मार्क लाएंगे आपको उतना ही अच्छा होगा। यहाँ पर दिया गया है 25 नंबर दिया गया है पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 25 दिया गया है, अनुसूचित जाति के लिए 15 दिया गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 दिया गया है, और महिला के लिए 10 नंबर दिया गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं महिला को 10 नंबर लाना है, लेकिन आप अच्छे से अच्छे नंबर लाने की पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ लिस्ट बहुत ही हाई जाने वाली है। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं दिया गया उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या, किस कैटेगरी से कितने कैंडिडेट शामिल किए जाएंगे रिटर्न एग्जाम में, यहाँ पर इनकी संख्या भी दे दी गई, आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। और टोटल कितने कैंडिडेट शामिल होने वाले हैं, तो 442 कैंडिडेट यहाँ पर शामिल होने वाले हैं कार्यपालक सहायक के रिटर्न एग्जाम में। अब हम बात करते हैं कि आपका रिटर्न एग्जाम कब होगा, तो यहाँ पर दिया गया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं 25/11/2018 दिन रविवार, यानी 25 नवम्बर को आपको रविवार के दिन आपका एग्जाम लिया जाएगा, रिटर्न एग्जाम आपका होगा। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट में क्या बताया गया है कि जो भी आपके रिटर्न एग्जाम से जानकारी होगी, आपके एडमिट कार्ड वगैरह की सारी जानकारी आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दी जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को हमारे लाइक कर देना, और आपको आशा है कि दोस्तों आप हमारी सारी बातें आप समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी बातें आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, हम आपका कमेंट देखने के बाद दोस्तों आपको क्लियर कर देंगे क्या कैसे होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।